तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज 2 दिन बाद व्लॉगिंग करने का मौका मिला है और आज मैं लेने जा रहा हूँ मेरे पापा के लिए कार। उनके लिए एक सुकून वाली कार लेने आए हम लोग। तो 2 दिन उसी पेपर वर्क में लग गया, इस कारण से मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाया। तो मेरा फ्रेंड राम है, तो चलो भैया आ जाओ, दे दो गाड़ी। ये हमारे सलमान भाई हैं, इन्होंने हमें गाड़ी डिलीवर करी है और पूरी हेल्प करी है। बदल मैं तभी गाड़ी की चाबी दूंगा भाई, जल्दी में माय बिल टारगेट अब आ, क्योंकि मुहूर्त निकल जाएगा। व्लॉग बना रहा हो क्या? हां जाकिर भाई की बनाओ, तो आनंद भाई की बनाओ। जाकिर भाई, आनंद भाई, जीवन मोटर्स के मैनेजर लोग हैं। मैं कुछ नहीं, व्लॉग बनना आप। हेलो बोलो। हेलो हमें बहुत अच्छा लगा भैया को गाड़ी देके। चलो भैया गाड़ी दिखा दो, कहां जल्दी से फटाक से। भाई ये रही गाड़ी, लो राम भाई। हम लोगों ने लगवाया रेन वाइजर, ये कवर धूप से बचने के लिए, और बैक कैमरा, मेटिंग्स, दैट्स ऑल। तो गाइस 2 मिनट बचे मुहूर्त निकलने में, फटाक से बस अब एक बार हम गाड़ी की चाबी लगा के स्टार्ट करके छोड़ देंगे, खत्म। हल्की सी आगे, हल्की सी आगे, हल्की सी। बस हो गया। तो ये है इसका बैक कैमरा, ये मेटिंग, 3D मेटिंग, बस इतना ही सामान है। हो गया मुहूर्त हमारा। ये देखो, मेरे को ये दिक्कत है, करंट बहुत लगता है। तो गाइस प्रशांत ने पेपर वर्क करा दिया पूरा, पेपर तो साइन हो गए, तो गाड़ी मैंने मुहूर्त से निकाली थी, तो बस अब यहाँ से गाड़ी लेके जाना है। बिकॉज 1 घंटे बाद इतना ट्रैफिक होने वाला है पूरे शहर में कि पूछो मत, तो इसलिए उसके पहले हम घर लगा दें। ये लो गाइस, ये है पेट्रोल की स्लिप। अरे साइन कर दो। 3 लीटर यहाँ पेट्रोल पंप पे, 2 लीटर गाड़ी में, और इधर हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। लोग आए, दद्दू ने पूजा कर दी है गाड़ी की। वाह, अब चलते हैं दोस्त के साथ शॉपिंग पे धनतेरस की, उसको शॉपिंग करानी है, मेरे को तो कुछ करना नहीं है भाई। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। वैसे भी अब गाड़ी का पोपट तो हो ही गया, बिकॉज वो मैंने पापा के लिए ली थी, तो पापा तो चले ही गए, वो ये भी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, तो पोपट हो गया। अब पता नहीं क्या होगा, मैं और फंसा, मैं जितना चीज़ों से निकलने की कोशिश करता हूँ उतना और फंसता चला जाता हूँ। Always concentrate on yourself and your work. That's it. Nothing else. I'm telling you. चलो भाई बाहर चलते हैं। बाकी दुनिया में सब कुछ ठीक है, किसी भी दूसरे का दुख समझने की कोशिश मत करो, बिकॉज सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, everything is all right. Just concentrate on your goal. That's it. ज्ञान देना तो बहुत आता है। चार्जर पता नहीं क्यों मैं लेके जा रहा हूँ, शायद मुझे यहाँ वहाँ से मेरे फ्रेंड के घर पे जाना है, उसकी पूजा करनी है। तो माय हेड स्पिनिंग गाइस, अब मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे आ गया हूँ और अब हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे।
ये देखो फेयर की लाइटिंग। लो गाइस, और हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, और अब मैं आपको दिखाऊंगा बाजार की रौनक और ट्रैफिक। गाइस मेरे पड़ोसी मिल गए हैं, तो मैंने मेरे फ्रेंड को छोड़ दिया है और अब मैं मेरे पड़ोसियों के साथ में हूँ और हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो जब तक शॉपिंग करेगा तो चलो इनसे पेस्ट्री खा लेते हैं। गाइस फाइनली शॉपिंग हो गई, अब चलते हैं फ्रेंड के घर पे। नौ बज गया, अब फ्रेंड के घर पे जाना तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ से वापस अपने घर चलते हैं। इसको टू मच कंफ्यूजन। सॉरी आई एम बैक, फाइनली फिलहाल बैक इन द हाउस। गाइस एक बात बोलूं, जिन लोगों से नेगेटिव वाइब आए ना, उन लोगों के पास बिल्कुल मत रहना, बिकॉज वो मेरे जो फ्रेंड है ना, उसके पास से हमेशा मुझे नेगेटिव वाइब आती है। वो वहाँ मैं बैठा हुआ तो मैं ऐसा कंफ्यूज हो रहा था, मेरा दिमाग पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। जैसे ही वापस घर आया एकदम से वापस से सारा लाइनअप हो गया। तो मैं पहले थोड़ा सा सेटल हो जाता हूँ, देन आई विल कैच यू लेटर। दुनिया का सबसे ज़रूरी काम मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो। गाइस मेरे ख्याल से ये जो मिलियनर्स होते हैं ना, लाइक अंबानी अडानी, इन लोगों को भी अपना मोबाइल चार्ज पे तो लगाना ही पड़ता होगा ना। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि लाइक अरे यार मोबाइल चार्ज नहीं है, तो ये क्या ये लोग अपने असिस्टेंट को देते होंगे कि जाओ चार्ज कर लो, या फिर इनके फ़ोन इतने सिक्योर उसमें रहते हैं कि ये भी ऐसे चार्जर लेके घूमते होंगे कि यार नहीं खुद का फ़ोन खुद ही चार्ज करेंगे, किसी और को अपना फ़ोन छूने नहीं देंगे एटसेट्रा। एकदम यूनिक थॉट आया दिमाग में, नहीं?